तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल मार्केट में बहुत सिंपल और बहुत बोरिंग टॉयज़ आ रहे हैं, जैसे कि आरसी कार्स, आरसी एरोप्लेन्स, आरसी हेलीकॉप्टर्स। तो बच्चे इनसे बोर होके अब धीरे धीरे वीडियो गेम्स के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसे गैजेट बताएंगे जिनसे खेल के बच्चे बोर भी नहीं होंगे और उनका एडिक्शन वीडियो गेम्स से छूट भी जाएगा। नंबर 4 पे आता है हमारा गैलेक्सी जेगा। इस प्ले टॉय में हमें एक वॉर फील्ड मिलती है और इसको बच्चे अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से खेल भी सकते हैं। इसमें हमें छोटी छोटी काफ़ी एडवांस्ड कार मिल जाती हैं जिससे हम मल्टीप्लेयर खेल सकें और एक दूसरे के साथ वॉर खेल सकें। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस फ़ोन में इनका ऐप डाउनलोड करना है और कार को कनेक्ट करके खेलना शुरू कर देना है। इसमें जो कार्स होती हैं काफ़ी एडवांस्ड होती हैं और ये बुलेट्स फायर कर सकती हैं और अपने आप में शील्ड भी ऑन कर सकती है, और अगर शील्ड ऑन हो गई तो वो बुलेट नहीं करती डैमेज, और अगर नहीं कर पाए तो जो डैमेज पड़ता है वो हमारे हेल्थ इंडिकेटर में शो हो जाता है, और अगर किसी कार की हेल्थ पूरी फिनिश हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति जीत जाता है। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा गेम मोड्स मिल जाते हैं और हम मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं ताकि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे आराम से खेल सकें। और इसमें हमें छोटे छोटे पैलेट्स मिल जाते हैं जहाँ से हमें बूस्ट मिले ताकि इसे खेलने में और भी मज़ा आ जाए। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 पे आता है एयरहॉक सुपरनोवा। ये जो गैजेट है इसको उड़ाना काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि इसके लिए ना ही हमें कोई रिमोट कंट्रोलर चाहिए और ना ही कोई कंट्रोलिंग डिवाइस, बस हमें इसको चलाने के लिए स्विच ऑन करना है और इसको सीधा करके रखना है कुछ देर तक ताकि ये ग्रीन लाइट बीप होनी शुरू करे, और फिर इसको हमें हल्का सा टॉस कर देना है ताकि ये लॉन्च हो जाए। और ये जो हमारा टॉय है या फिर कह सकते हैं गैजेट है, ये इंडोर प्ले के लिए डिज़ाइन किया गया है अंदर खेलने के लिए, और ये जो है इसको उड़ने के लिए एक क्लियर स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा खाली स्पेस चाहिए होता है ताकि ये इधर से उधर मूव कर पाए, और ये बच्चों को कभी हर्ट भी नहीं करता क्योंकि इसके आर पार लगा हुआ है एक केज ताकि इसके जो प्रोपेलर्स हैं वो किसी की फिंगर में लगे ना या फिर उन्हें कट ना करे या फिर उन्हें डैमेज ना पहुँचा दें। और ये जो गैजेट है ये इतना अच्छा इसलिए भी है क्योंकि हम इसे हल्का सा कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ मोशंस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, जैसे इसे अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, साइड बाय साइड मूव भी करवा सकते हैं, और ये सब ये अपने मोशन सेंसर्स के थ्रू करता है। और इसको इजीली ऑफ करने के लिए बस हमें क्या कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर से नीचे मोड़ देना है। नंबर 3 पे आता है हमारा रोबो वंडर किड। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल गेम्स के जैसे बच्चों का पढ़ने में ध्यान कम होते जा रहा है और वो लर्निंग्स कम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा गैजेट है जिससे बच्चे खेल भी सकते हैं और इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं जो कि फ़ायदेमंद है उनके आगे चल के फ्यूचर के लिए। इसमें हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलते हैं जिनको जोड़ के हम अपना रोबो बनाएंगे और अलग अलग वायर्स से अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, और ये रोबो बहुत सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी कर सकता है। इसके लिए बस कुछ नहीं करना, इनके क्यूब्स को जॉइंट करना है और कुछ कोडिंग करनी है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। कोडिंग के साथ साथ हम इसे डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बच्चे को और भी ज़्यादा मज़ा आए। और आखिरी और लास्ट मतलब नंबर 1 पे आता है हमारा एंकी कॉस्मो। ये एंकी का बनाया गया एक ऐसा गैजेट है या फिर कह सकते हैं ऐसा रोबोट है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। ये एक AI रोबोट है जिसके पास अपना एक ब्रेन है और अपने एक इमोशंस हैं। ये जो आपके सामने इसकी स्क्रीन है इसमें ये अपने इमोशंस शो कर सकता है जिससे कि बच्चे को खेलने में और भी ज़्यादा फन होए। ये बच्चों के साथ अलग अलग काम कर सकता है, जैसे कि गाना गा सकता है, उनके साथ मल्टीपल गेम्स खेल सकता है और काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहता है बच्चा इसके साथ। हम इसे मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो हमारा गैजेट है वो नाइट विजन भी सपोर्ट करता है। इसे हम डायरेक्टली रूम में फ्री भी रख सकते हैं ताकि ये इधर उधर घूमे, और ये कभी गिरता भी नहीं है क्योंकि इसमें एक स्मार्ट सिस्टम लगाया गया है जो कि डेप्थ को नाप लेता है। अगर पूरी तरह से बोले तो एक बहुत स्मार्ट रोबोट है जो कि अपने एनवायरमेंट के हिसाब से चल सकता है। बच्चे इसको कोडिंग के थ्रू भी चला सकते हैं जिसके जैसे बच्चे कोडिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे कोडिंग्स को। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे हमारे आज के 4 स्मार्ट गैजेट्स जो कि बोरिंग भी नहीं है बच्चों के लिए और काफ़ी ज़्यादा उनको इनसे खेल के बच्चों को मज़ा आए और वो कभी भी वीडियो गेम्स के अडिक्टेड ना हो और हमेशा इनके साथ इंगेज रहें। तो और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इनके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही और भी गैजेट्स के बारे में बताएंगे जो कि स्मार्ट हो, बोरिंग ना हो और बच्चों को वीडियो गेम से भी अलग रखें और ताकि बच्चे फन करें और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भी हो, मतलब लर्न करें, काफ़ी कुछ सीख पाएं गैजेट्स के थ्रू। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।